पिछले काफी वक्त से कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा था कि बूस्टर डोज के लिए वैक्सीन मिक्सिंग की जा सकती है। यह भी कयास लगाया जा रहा था कि सरकार बूस्टर डोज को लेकर कुछ ऐसा नियम बना सकती है कि जिन लोगों को पहले दो खुराक एक वैक्सीन की दी गई है उन्हें तीसरी डोज अलग वैक्सीन की दी जाएगी। अगर किसी शख्स ने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले रखी है तो उसे कोवैक्सीन दी जाएगी। अब सरकार ने बूस्टर डोज को लेकर चल रहे कंफ्यूजन को साफ कर दिया है। देश में तेजी से ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से ऊपर के लोगों को बतौर प्रिकॉशन डोज में उसी वैक्सीन की डोज दी जाएगी जो उन्होंने पहले दो डोज ले रखी है। यानी अगर किसी व्यक्ति ने पहला और दूसरा डोज कोवैक्सीन ले रखी है तो उसे प्रिकॉशन डोज भी कोवैक्सीन ही दी जाएगी। इस तरह जिसने पहले दो डोज कोविशील्ड की ले रखी है उन्हें भी बूस्टर डोज कोविशील्ड ही दी जाएगी। बता दें कि 10 जनवरी से बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दी जाएगी। इसके अलावा 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि चुनावी राज्यों में ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में ही गिना जाएगा और उन्हें भी बूस्टर डोज लगेगी। बूस्टर डोज के लिए 60 से ऊपर के लोगों को और स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर बीमारी के लोगों को किसी तरह का कोई मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि ऐसे लोगों को बूस्टर डोज लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। टीम खबर अपडेट।